मतलब सही हो जाएगी। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मैं अभी प्रतीक महिमा जी, पंजवानी जी, चंदन जी इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ बैठूंगी या बैठ के मैं अपना सोलो इंटरव्यू दे रही होगी। रायपुर में काफी टाइम बाद आई हूँ, काफी टाइम मतलब बहुत सालों बाद नहीं, बहुत डेढ़ दो साल बाद आई हूँ। एंड रायपुर इज डेवलपिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे एंड आई हैव टू थ्री फ्रेंड्स जो यहाँ रायपुर रहते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं और बहुत आई शुड से मुझे कभी कभी ज्यादा नहीं होती है बिकॉज उनकी लाइफ हमसे ज्यादा बेहतर है। और जब मैं उनसे बात करती मैंने बोला रायपुर गांव जैसे तो ऐसे एकदम बताओ पे गांव नहीं कहना, मैंने बोला अच्छा ओके। तो लोग मजे करते हैं, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, येट एट द सेम टाइम काफी अच्छा है। आपको तो भाई स्टेडियम भी बन रहा है यहाँ पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो गोइंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, तो अभी मुझे लगता है कि मैं भी शिफ्ट ही हो जाती हूँ। आपकी मदर आपको छत्तीसगढ़ में मौका मिलता तो क्या कहाँ पर छत्तीसगढ़ दिलवाइए ना, मैं तो चाहती हूँ मैं काम करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव वर्किंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। भारत में इतनी सारी भाषा है, ना ही सारी भाषाओं की फिल्में बनती है, ना ही बहुत लोगों को पता है कि कितनी भाषा है, और आई थिंक हर 15 किलोमीटर पर नई भाषा आती है। तो आई थिंक छत्तीसगढ़ भी एक बड़ा नाम हो जाएगा फिर मेरे काम करने की वजह से। मैम आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई एक्टिंग में था कि नहीं? जी एक्टिंग करियर में था कोई, एक्टिंग बैकग्राउंड से था कोई? नहीं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली नहीं था कोई, बट मेरे घर से बहुत एजुकेटेड लोग हैं। माँ शायद आपकी टीचर थी? माँ टीचर, पापा मैकेनिकल इंजीनियर थे, भाई का अपना खुद का काम है, एक कजिन है वो डॉक्टर है, लॉयर है, सब। आप बताए कि एयर होस्टेज बनना चाहती थी लेकिन आप अचानक इस तरफ कैसे रुझ रहे? अचानक इस तरह मैंने बताया ना, मैंने कोशिश की थी और ये मौका ना लाखों में कम लोगों को मिलता है, मैं बहुत कम बोलती हूँ लेकिन बताती नहीं हूँ इस बारे में। मैंने पहली लाइफ में ऑडिशन दी थी फेयर एंड लवली के लिए, जो बाद में अमृता राव जी ने किया था, अमृता राव। मुझे ऐसे लगा अगर मैं इनके साथ ऑडिशन दे सकती हूँ तो मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। और मेरे लिए मेरा एजुकेशन बहुत, हमारे घर में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। विदाउट एजुकेशन में आपको कोई खड़े भी नहीं रहेगा, इज्जत भी नहीं होती। तो पहले मेरी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड पढ़ाई करते करते ही मैंने रीजनल फिल्मों से अपना करियर शुरू किया। उसके बाद टीवी में ब्रेक मिला और फिर उसके बाद मौका ही नहीं मिला कि मैं कभी आराम से सो भी पाऊँ। वो 48 घंटे 72 घंटे काम कराते। मैडम दो चीज़ें हैं, एक तो महिलाओं की ओर से एक सवाल है पूरे देश की महिलाओं के, जो महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस में फंसती जूझती हैं, मैम उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? आई थिंक वो डरपोक है और उन्हें डराया भी जाता है। साहस करने वालों के साथ तो दुनिया भी खड़ी रहती है, लेकिन दुनिया को भी एक मैसेज देना चाहिए कि आप बैठकर ज्ञान दे रहे हो तो जाके अगर आप देख रहे हो तो जाके आप उनके लिए मदद करो, उनके लिए स्टैंड लो। सब अपनी लाइफ में व्यस्त होते हैं जरूर है, लेकिन अगर आपको पता है अगर बगल में ऐसी चीज है तो डेफिनेटली हेल्प करो, बिकॉज शायद वो अपनी उस वक्त वो अपनी मानसिक स्थिति में नहीं हो, वो शायद वो फैसला ना कर पाए, लेकिन आपको जरूर करनी चाहिए। फिल्म लाइन को लेकर बहुत सारे मेरे तो मन में बहुत सारी चीजें चल रही है, बट ये आई थिंक अगर बहुत सारी स्ट्रॉन्गली कुछ चीजें चल रही हो बहुत जल्द आपके साथ।